बारिश के मौसम में कुछ चटपटा सा खाने का मन करता है ना, तो इसे आप बनाकर स्टोर भी करके रख सकते हो। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं रब देख रेच के किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना चिवड़ा, जिसे कि उपवास का चिवड़ा भी कहा जाता है। बनाना बेहद ही ज्यादा आसान है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और एंड तक पूरा वॉच करना, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक के साथ आज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहां पर मैंने ये वाला साबूदाना लिया है। चिवड़े के साबूदाने के नाम से इसे पहचाना जाता है। इस तरीके का होता है, नॉर्मल जो शॉप पर मिलता है ना साबूदाना, उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा बड़ा होता है, तो ये हमें लेना है। इसे कहा जाता है नायलॉन साबूदाना। तो ये मैंने एक कप लिया है, आपको जितना बनाना है उतनी क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ना सबसे पहले हमें इसे फ्राई करना होगा। तो फ्राई करने के लिए कढ़ाई में मैंने तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखनी है और डीप फ्राई हमें इसे करना होगा। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे फ्राई कर निकाल लेंगे। देखिए ज़्यादा एक साथ नहीं डालना है, तो ये जब डालेंगे ना तो इस तरीके से फूल जाएगा। और इसे ज़्यादा मतलब ओवर कुक नहीं करेंगे, ओवर फ्राई नहीं करेंगे, मतलब कि इसे ना ब्राउन नहीं करना है हमें, नहीं तो दांत में ही चिपकता है। तो इसके लिए इसे थोड़ा सा मतलब पकना भी चाहिए और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है, और इसे डालने के बाद ऑयल से थोड़ा सा दूर ही रहना है, क्योंकि ये उड़ता है, जम करके बाहर आता है। तो ये देखिए फ्राई हो चुका है, इस तरीके से ये फूल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, ज़्यादा ओवर कुक करेंगे तो ये ब्राउन हो जाएगा। तो मैं इसे निकालूंगी। देखिए जितना भी साबूदाना है सब मैं इसी तरीके से फ्राई कर निकाल लूंगी। तो आप इसे ना इस चिवड़े को ना इवनिंग में खाने को अगर दोगे ना बच्चों को, तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, इसे साइड में कर देंगे। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है जो कि इसे कहा जाता है आलू, है ना, आलू का कीस इसे कहा जाता है। तो इसे पहले ही बनाकर रखना पड़ता है। अगर आपको बनाना है तो आप इंस्टेंट भी इसे बना सकते हैं। इसे करना ये होता है कि थोड़े से आलू को बॉईल करना होता है, और बॉईल करने के बाद कच्चा पक्का ही बॉईल करना है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता है। और उसके बाद इसे किसनी से खींच लिया जाता है और उसे नमक के पानी में छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसे ना फैन के नीचे या तो धूप में सुखाया जाता है। तो इस तरीके से होता है ये, तो इस तरीके से कीस बनता है आलू का कीस। ये तो मतलब गर्मी में बना कर रखते हैं, तो आपको डालना है तो डालिए, है तो नहीं तो स्किप कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। तो इसे भी हम फ्राई कर निकाल लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो ये आलू से बनता है जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को। तो फ्राई हो चुका है तो इसे भी हम निकाल लेंगे, इसे भी जलाना नहीं है। देखिए इस तरीके से मैं निकालूंगी फ्राई करके। और इस रेनी सीजन में ना फ्रेंड्स, बाहर की चीज़ें टोटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ उससे होती हैं। तो घर में आप बनाइए और खाइए। बहुत सारी रेसिपीज मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं, स्नैक्स की भी रेसिपी है उसमें। तो बाहर की चीज़ें टोटली अवॉइड कीजिए, तो हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। अब यहाँ पे मूंगफली मैंने लिया है, तो मूंगफली भी हम इसी तरीके से फ्राई कर निकाल लेंगे। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सेम क्वांटिटी में लेना है, मतलब कि साबूदाने की क्वांटिटी डबल रहनी चाहिए। फ्राई करने के बाद साबूदाने की क्वांटिटी डबल ही हो जाती है, इसके लिए मैंने एक कप लिया है। और उसके बाद ये इंग्रेडिएंट हाफ हाफ कप, मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं सबकी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, या तो स्क्रीन पर भी आपको दिखाई देता होगा कि कितने इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मूंगफली को भी फ्राई कर निकाल लिया है। तो इसे भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे या कच्चा भी नहीं रखना, इस तरीके से फ्राई करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब यहाँ पर ना मैंने ड्राई कोकोनट जो होता है ना उसे मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, तो थोड़ा पतला ही करना है, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा मतलब थिक भी मोटा नहीं रखना है। तो इस तरीके से इसे कट करके इसे मैंने देखिए गोल्डन होने तक फ्राई किया है। इसे गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है, जलाना भी नहीं है और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए, इस तरीके से। तो ये भी मैं निकालूंगी फ्राई करके। सब अलग अलग रख रही हूँ मैं, बाद में बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें और डालनी है हमें। तो ये हम निकाल लेंगे साइड में, इसे पहले कट करके रखना है आप लोगों को। इस तरीके का हो गया है, इसे साइड में रख दें। अब यहाँ पर ना मैंने ये वाली जो स्पून होता है ना जाली वाली, तो वो लिया है, और ये बीच में रख देंगे हम। और उसमें हम ऐड कर देंगे हरी मिर्च, जो कि स्पाइसी बनाएंगे हमारे चिवड़े को। तो तीन हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया था, बारीक बारीक कट करना है, और इस तरीके से हम फ्राई करेंगे। ये ट्रिक होती है इसे फ्राई करने की, डायरेक्टली ऑयल में डालेंगे ना आप तो मतलब ऑयल भी ख़राब हो जाता है ना, इसके लिए इस तरीके से इसे फ्राई किया जाता है। तो मतलब ये मैं इस तरीके से करती हूँ। तो इसे थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि चिवड़े में डायरेक्टली हम इसे खाएंगे ना तो फिर ज़्यादा तीखा भी नहीं लगता है और खाने में अच्छा लगता है। तो इसे मैंने गोल्डन कलर आने तक फ्राई किया है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं, जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ आप लोगों को, नहीं तो चूड़े का टेस्ट ही पूरा ख़राब हो जाएगा। तो गोल्डन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक मैंने इसे फ्राई कर निकाल लिया है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तीन हरी मिर्च लिया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा है करी लीव्स, मतलब कि कड़ी पत्ता। इसे भी हम फ्राई करके इसी तरीके से जाली वाले स्पून से रख के निकाल लेंगे, और इसे भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। ये फटाफट क्रिस्पी भी हो जाता है, इसे वॉश करना है फिर ही फ्राई करना है। देखिए
तो ये हो चुका है, इसे भी मैं साइड में रख दूंगी। और बाद में और इंग्रेडिएंट्स हमें डालना है, अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को मिलाते वक्त। तो अब यहाँ पर बारी आती है इसे मिक्स करने की, और कुछ इंग्रेडिएंट्स और है जो कि सीक्रेट है, इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है तो वो हम डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले साबूदाना जो हमने फ्राई करके रखा है, चिवड़ा साबूदाना, वो मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो आलू का कीस है वो डाल दिया है, मूंगफली डाल देंगे, और उसी के साथ यहाँ पे जो ड्राई कोकोनट हमने फ्राई करके रखा है वो भी ऐड कर देंगे इसमें। इसे मिलाने के लिए ना बड़ा सा बर्तन ही लेना है, तो ही मिक्स होगा अच्छे से। और यहाँ पे हरी मिर्च मैंने डाल दिया, और कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। और देखिए कुछ इंग्रेडिएंट्स अभी हम डालेंगे, तो इसमें ना हम डालेंगे नमक, क्योंकि नमक इसमें नहीं होता है। आलू के जो कीस होता है ना, उसमें नमक होता है, लेकिन थोड़ा सा डालेंगे हम ऊपर से, थोड़ा ही डालना है, हाफ टी स्पून मैंने डाल दिया। उसी के साथ यहाँ पे ना मैंने लिया है चीनी, चीनी को मैंने पीस लिया था, 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। चीनी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखना है, तो अच्छा मतलब इसमें नमकीन और मीठा जो फ्लेवर होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है ये चूड़े में। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे, आप अपने हिसाब से मिक्स कर लीजिएगा। तो मैंने मिक्स कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी साबूदाना चूड़ा बनके रेडी हो चुका है। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इसे स्टोर करने का तरीका, कोई भी एयरटाइट डब्बे में आपको इसे पैक करके रखना है, तो जब भी आपको खाना है तो आप निकाल के इसमें इसे खा सकते हैं। इसे बाहर ही रख सकते हैं आप, फ्रिज में नहीं रखना है। तो आप इसे 1 मंथ के लिए भी फ्राई करके रख सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। तो बनाइए और खाइए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।